कोरोना महामारी के कारण 7 माह से बंद शहर के सिनेमाघरों को 15 अक्टूबर से खोला जा रहा है। सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन सिनेमाघरों में दर्शकों की कोरोना से बचाव के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स संचालक दर्शकों को सुरक्षित माहौल देना चाहते हैं ताकि दर्शकों में विश्वास बढ़े और वो पहले की तरह सिनेमाघरों तक चल कर आए और सिनेमा का लुफ्त उठाएं। लेकिन इस बार नजारा बदला हुआ नजर आएगा। लोग लुफ्त तो उठा सकेंगे, लेकिन कोरोना को लेकर जो प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं उसको ध्यान में रखकर। पिछले 7 महीने से सिनेमा हॉल बंद थे। गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार अब वो 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाह से एनबी मिनिस्ट्री ने एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसेस घोषित किया है, एसओपी घोषित किया है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल, और उसमें 50% लोग अलाउड होंगे। यानी अगर 200 का स्क्रीन होगा तो 100 लोग आ सकेंगे। एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी ऐसी बटने की व्यवस्था होगी। पूरी मास्क लगाना होगा, दूरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी एक सीट छोड़ के कर रहे तो। उसके साथ सुरक्षित दूरी, मास्क और सैनिटाइजर, इसका उपयोग बाध्यकारी है। सिनेमाघरों में मूवी के पहले या मूवी के बाद 1 मिनट की कोरोना पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकेगा। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सों में सीटों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और खाने के लिए केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध होंगे। एक कोरोना के संदर्भ में एक जागृति निर्माण करने वाली फिल्म, 1 मिनट की, या अनाउंसमेंट, या तो शो के पहले भी और मध्यंतर के पहले और मध्यंतर के बाद ये दिखाना कंपलसरी है। 2 शोज में स्टैगर्ड टाइम टेबल चाहिए कि पूरा हॉल सैनिटाइज होके दूसरे लोग आकर बैठेंगे और आने जाने वालों का ज़्यादा संपर्क नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। सिंगल स्क्रीन में ज़्यादा खिड़कियां खोलनी पड़ेगी टिकट बुकिंग के लिए, और सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को एनकरेज किया जाएगा। स्टाफ का प्रोटेक्ट होगा, पैक्ड फूड मिलेगा, और टेम्परेचर भी सबसे मुख्य है कि हवा का सर्कुलेशन चालू रहे, ये सुनिश्चित करना होगा। 23, 24, 25 इतना ही टेम्परेचर रख सकते हैं, और उसके बाद एक क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ये भी सुनिश्चित करना जरूरी है। फिल्म देखने आने वाले दर्शकों की सुरक्षा प्राथमिकता है, इसके लिए थिएटर में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए पार्किंग कैफेटेरिया में गोले बनाए जाएंगे, जिससे दर्शक पास पास ना खड़े हों। नगद लेन देन से बचने को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा।